नमस्कार, मैं रोहिता, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। मौसम विभाग ने कोल्हापुर, सांगली और पुणे घाट क्षेत्रों में आज और कल भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मायापुर में फंसे कोल्हापुर और सांगली में पानी अब कम होने लगा है। ऐसे में फिर एक बार मौसम विभाग ने कोल्हापुर, सातारा में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। कोल्हापुर, सांगली और पुणे घाट क्षेत्रों में आज मंगलवार और कल भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। वाशी के नगर पालिका अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था की गई है और रूबी एआईएल केयर के माध्यम से 50% छूट दी गई है। नगर पालिका अस्पताल में इलाज करने वाले मरीजों को सीटी स्कैन के लिए भुगतान करना पड़ता है। अब इसे नगर पालिका के वाशी के अस्पताल में व्यवस्था की गई है और मंगलवार को लॉन्च किया जाएगा। रूबी एआईएल केयर के माध्यम से निरीक्षण 50% छूट पर किया जा सकता है। 300 बिस्तरों का पहला संदर्भ अस्पताल नगर पालिका के वाशी में है। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और यह लगातार भीड़ देखने मिलती है। यहाँ की आबादी को कम करने के लिए नेरुल, एरोली, बेरापुर में माता बाल अस्पताल स्थापित किए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। बारिश और बाढ़ की स्थिति होने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण जुलाई और अगस्त के 2 महीनों में ट्रेनों का शेड्यूल बंद कर दिया है। बारिश, बाढ़ की स्थिति और उसमें उत्पन्न होने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण जुलाई और अगस्त के 2 महीनों में मध्य रेलवे की स्थानीय और लंबी ट्रेनों का शेड्यूल समाप्त कर दिया गया है। इन 2 महीनों के दौरान 9000 से अधिक स्थानीय लोगों को रद्द करना पड़ा, इसलिए मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर आदि के 900 राउंड रद्द करने पड़े। स्थानीय और लंबी दूरी दोनों में लगभग 36 लाख यात्रियों को व्यवधान भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। पार्किंग क्षेत्र की जानकारी अब कार्यस्थल पर वाहन चालक के ऐप पर उपलब्ध होगी। उपलब्ध पार्किंग क्षेत्रों के बारे में जानकारी अब कार्यस्थल पर वाहन ले जाने वाले वाहन के चालक के लिए ऐप पर उपलब्ध होगी, इसलिए वाहन चालकों को पीडिन से राहत मिलेगी। वाहन के स्थान और उपलब्ध स्थान का विवरण देने वाला मॉड्यूल सोमवार को पालिका के ऐप पर लॉन्च किया गया है। ऐप के भीतर उपलब्ध इस मॉडल के माध्यम से ही ड्राइवर को 500 मीटर और 5 किलोमीटर परिधि का विवरण, बेस्ट का वाहन स्थान, साथ ही ड्राइवर को एयरपोर्ट के रूट का पता मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। अब 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को इसरो बेंगलोर सेंटर में बैठकर चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर उतरते देखने का मौका मिलेगा। 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को इसरो के बेंगलुरु सेंटर में बैठकर चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर उतरते देखने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रश्न चिन्ह प्रतियोगिता जीतनी होगी। सरकार ने इस प्रतियोगिता का आयोजन छात्रों के अवकाश अनुसंधान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया है। छात्रों को 20 सवालों के जवाब 10 मिनट में यानी 600 सेकंड में देने होंगे। कम से कम समय में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर देने वाले छात्र विजेता होंगे। ये छात्र 7 सितंबर को इसरो के केंद्र में उपस्थित होकर चंद्रमा पर उतरने वाले चंद्रयान 2 का अनुभव कर सकेंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मुंबई से पुणे जाने वाली ट्रेनों के मार्ग पूर्ववत करने में समय लगेगा, इसीलिए एसटी बस इस मार्ग पर दौड़ने का फैसला लिया है। मुंबई से पुणे जाने वाली ट्रेनों का अभी ठहराव नहीं हुआ है। इस मार्ग को पूर्ववत करने में समय लग रहा है और 15 अगस्त के बाद ही रेल सेवा बहाल होगी। इससे कई यात्रियों को असुविधा हुई है। इस असुविधा से बचने के लिए एसटी निगम ने पहल की है और मुंबई पुणे मार्ग पर अतिरिक्त एसटी बसों को छोड़ने का फैसला किया है। शिवनेरे के राउंड भी बढ़ाए गए हैं और 32 अतिरिक्त राउंड शुरू किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।